आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी को सियोल शांति सम्मान, मोदी ने सम्मान राशि नमामि गंगे के लिए की दान। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार, कहा आतंकवादियों की मौत पर रोने वाले हमें देशभक्ति न सिखाएं। एमपी में युवा स्वाभिमान योजना शुरू, कमलनाथ बोले रोजगार देना एक बड़ी चुनौती। पुलवामा आतंकी हमले पर जोरदार विरोध, जगह जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। और 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान व्यक्ति ने अफसरों को किया ताले में बंद। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 का सियोल शांति सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके लिए एक विशेष समारोह का आयोजन सियोल शांति सम्मान सांस्कृतिक फाउंडेशन ने किया, जिसमें पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के योगदान को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। पीएम मोदी ने सम्मान निधि के तौर पर मिले 1,20,00,000 रूपये नमामि गंगे अभियान को दान कर दिए हैं। सम्मान के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरा नहीं बल्कि भारत की जनता का सम्मान है। पिछले 5 सालों में जो सफलता मिली है वो भारत के लोगों की मेहनत है। मैं खुद को सम्मानित मानता हूं क्योंकि यह सम्मान मुझे पूज्य महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर मिल रहा है। इस दौरान पुलवामा हमले के खिलाफ भारत को दक्षिण कोरिया का समर्थन मिला। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति मून जे इन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने पुलवामा हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ हमारा साथ दिया है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते से आतंकरोधी कोशिशें तेज होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1965 में बने इस शहीद स्मारक में कोरिया की आजादी के अलावा वियतनाम युद्ध और कोरियाई युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की समाधियां हैं। पुलवामा आतंकी हमले पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा आतंकवादियों की मौत पर रोने वाले हमें देशभक्ति ना सिखाएं। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आतंकवाद के मुद्दे पर हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पुलवामा हमले का जवाब देने के लिए भी उचित रणनीति पर काम किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए पीएम मोदी पर आरोप लगा रही है। कश्मीर समस्या जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर सरदार पटेल देश के पीएम होते तो कश्मीर की समस्या पैदा ही नहीं होती। अमित शाह ने कहा जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो कांग्रेस कह रही थी कि ये खून की दलाली करते हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष आतंकियों की मौत पर फफक फफक कर रो पड़ी थी। जेएनयू में जाकर देश के टुकड़े टुकड़े की बात करने वालों का समर्थन करने वाली कांग्रेस हमें देशभक्ति ना सिखाए। कांग्रेस ने इस हमले का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए किया है। उन्होंने हमले के दिन एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की उपस्थिति को मुद्दा बनाया, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया और कहा कि मध्य प्रदेश में विकास का नया नक्शा बनाया जाएगा। कृषि क्षेत्र का विकास करना और उसमें सुधार सबसे बड़ी चुनौती है। हमने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उसमें अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दूसरे हमारी सामने बड़ी चुनौती युवाओं के लिए रोजगार है।
लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, आज का युवा ठेका पट्टा नहीं मांग रहा, वह रोजगार मांग रहा है। युवाओं को नारे नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। हमने उसके लिए भी नई नीति बनाई है। युवा स्वाभिमान योजना 21 से 30 साल के शहरी युवा बेरोजगारों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत शहरी युवाओं को 100 दिन का रोजगार और प्रशिक्षण दिया जाना है। युवाओं को 4,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस योजना के लिए योजनाओं में पंजीयन युवा स्वाभिमान पोर्टल पर 12 फरवरी से हो रहे हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खून से नरेंद्र मोदी के नाम खत लिखा और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। युवाओं ने एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर आतंकी हमले के खिलाफ ज्ञापन दिया। आतंकी हमले के विरोध में छतरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने खून से खत लिखते हुए विरोध दर्ज कराया। स्वयंसेवकों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खून से खत लिखा। युवाओं ने विरोध दर्ज कराते हुए शहर में एक विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आतंकवाद बढ़ाने वाला पाकिस्तान को समूल नष्ट किया जाए। भारत में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी एवं राज्यपाल के माध्यम से ये 370 की धारा नष्ट की जा सकती है, ऐसा संविधान में उल्लेख है, जिसके कारण से जो 44 हमारे भारतीय सैनिक मारे गए, पूरा देश, छतरपुर नगर सहित संपूर्ण देश पूरी तरह से पीड़ित है। इस पीड़ा को दर्शाने के लिए हम लोगों ने रक्त रंजित प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है। ज्ञापन जो पुलवामा में आतंकवाद की घटना हुई है उसके विरुद्ध में है और कार्रवाई करने हैं तो है, और ऐसा उनका कहना है कि खून से लिखा हुआ है ज्ञापन, तो उसको प्रधानमंत्री तक उचित माध्यम से भेजवा दिया जाएगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता राशि देने का फैसला किया और मुख्यमंत्री कमलनाथ को चेक सौंपा। मध्य प्रदेश पुलिस की एक बड़ी पहल सामने आई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए परिवारों को आर्थिक सहयोग देने का फैसला किया है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस ने 7.5 करोड़ रुपए का चेक मुख्यमंत्री को दिया। पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने यह चेक मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री को सौंपी गई इस राशि में पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन अंशदान के रूप में शामिल किया गया है। पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने से परेशान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय पहुंचकर ताला डाल दिया। इस वजह से कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी 3 घंटे तक कैद रहे। इसके बाद ऑफिस की दूसरी चाबी मंगाकर ताला खोला गया, तब जाकर कर्मचारी और ऑफिसर बाहर निकल पाए। सीनियर बालक छात्रावास खजुराव में पदस्थ शिवनारायण अहिरवार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और पिछले 4 महीने से सरकारी नाफरमानी का शिकार हैं। उसे 4 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ इस शख्स ने विभागीय अधिकारियों से कई बार शिकायतें की, लेकिन जब उसे वेतन नहीं मिला तो उसने मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट में स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में ताला जड़ दिया। विगत 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए मैंने सर से निवेदन किया 5,000 की व्यवस्था करा दो, मुझे बच्चे की फीस जमा करना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। फिर हम लोगों ने 5 माह से लगातार आवेदन दे रहे हैं, कोई विचार नहीं हो रहा है, तो हमने ताला लगा दिया। 2 घंटे तक ताला लगाए रहे, इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1 महीने के बाद तुम्हारी वेतन दिला देंगे। खोल दिया, तो कोई विचार नहीं हो रहा है, तो हमने ताला लगा दिया। 2 घंटे तक ताला लगाए रहे, इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1 महीने के बाद तुम्हारी वेतन दिला देंगे। खोल दिया,
देखते 90 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी स्थायी कर्मी जिनकी तनख्वाह नहीं मिली विगत 4 महीनों से तनख्वाह नहीं, 5वां महीना है। किस पद पर रसोईया चौकीदार वाटरमैन सर क्या हम लोग स्थायी कर्मी कर्मचारी जो हाल ही में 2016 में शासन के द्वारा हुए हैं तो चूँकि वित्तीय कमियों के कारण हम लोगों को 4-5 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है तो उस वेतन के एवज में श्रीमान जी से जिला समाज महोदय से निवेदन करने आए थे कि परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कर्मचारियों की काफ़ी गंभीर होने जा रही है तो इस लिहाज से श्रीमान जी कुछ ऊपर से निर्देश लेके या किसी न किसी तरीके से कर्मचारियों को जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ समस्या का समाधान निकालने के लिए आवंटन अप्राप्त है इसकी वजह से 2-3 माह से कर्मचारियों का वेतन नहीं हो पा रहा चतुर्थ श्रेणी का जिन कर्मचारियों का आता जा रहा उनको भुगतान कर दिया गया है क्योंकि आजकल बजट हेडवार जो है कर्मचारी मैपिंग है और जिस कर्मचारी का वेतन अनुमोदन होकर के आता है उसी को जारी किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में क्या है अनुसूचित जाति मत के कर्मचारियों का वेतन आवंटन प्राप्त न होने के कारण परेशानी हो रही है विरोध किया गया जो वित्त विभाग ने आपत्तियाँ लगाई थी उनका निराकरण कर पुनः प्रस्तुत किया गया है हो सकता है बजट 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा समस्या का निदान हो जाएगा। ऑफिस के बाहर बैठे शिवनारायण अहिरवार ने बताया कि पिछले कई महीनों से वह विभाग के चक्कर काट रहा है लेकिन फिर भी आज तक उसे वेतन नहीं मिला मजबूरन उसे ऑफिस में तालाबंदी करना पड़ी इस तालाबंदी के बाद सभी को इनकी पीड़ा समझ में आई और अब बड़े अधिकारी उसे वेतन दिए जाने का आश्वासन दे रहे हैं। सरकार ने भले ही नरसिंहपुर जिले को ODF घोषित कर दिया हो लेकिन हकीकत उससे उलट है। जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जहां शौचालय ही नहीं है। इससे आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छता मिशन का कैसे सत्यानाश किया जा रहा है। गाडरवाड़ा तहसील के साईखेड़ा ब्लॉक के कई स्कूलों में शौचालय नहीं है लेकिन जिला ODF घोषित हो चुका है। शौचालय के ना होने से बच्चे खुले में शौच जाने को विवश हैं। ऐसे में स्वच्छता अभियान की बात बेमानी लगती है। सरकारी स्कूल में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाने के नाम पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए बावजूद अब तक कई ग्रामों के सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं बने हैं। हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है हम घर जाते पढ़ते हैं। सर हमारे स्कूल में शौचालय किचन सेट नहीं है और इसकी हमने कई बार बड़े अधिकारियों को भी सूचना दे दी है ओBRC चंदन शर्मा महोदय जी को भी इस बात की जानकारी है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इस सब की जानकारी ना हो अधिकारी सब जानते हुए भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। हरजन टोला सरकारी स्कूल के ही शिक्षक 2016 से लगातार अधिकारियों को शौचालय नहीं होने की समस्या से अवगत करा रहे हैं लेकिन अधिकारियों के लचर रवैये और कार्य के प्रति लापरवाही का शिकार स्कूली बच्चों को होना पड़ रहा है। देखिए अभी आपको आपके माध्यम से हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है और हम लोग लगातार स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में प्रयास करते हैं। नरसिंहपुर जिले में शौचालय हर स्कूल में हों बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय हों इस बारे में हम पूरा प्रयास करते हैं। अभी हम लोग जो *1 की जो शालाएँ हैं उनको हम *2, *3, और *5 तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस हेतु हम लोगों ने कुछ राशि भी स्कूलों का चयन करके दी है और जिस प्रकार आपने जानकारी दी है उसको हम संज्ञान में लेके और तत्काल उसको दिखवाएंगे और यदि शौचालय नहीं है तो शौचालय वहाँ बनवाएंगे। ये आप मेरे नॉलेज में ला दीजिए अभी हमने एक अभियान चालू किया है और 31 मार्च तक जो है हम सभी स्कूलों में जो है स्टार शौचालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं मतलब अच्छे से अच्छे शौचालय जो हैं खासतौर से जो गर्ल्स स्कूल हैं उनमें करें। हो सकता है आयकात किसी स्कूल में रह गया हो मुझे जानकारी में नहीं है पर यदि ऐसा हुआ तो हम उसको 31 मार्च के पहले कम्प्लीट करा देंगे। साईखेड़ा ब्लॉक की खेरीपाली के प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले छात्र आसपास के खेतों में शौच के लिए जाते हैं। छात्राएं इसी वजह से स्कूल नहीं आती हैं। शिक्षक का कहना है कि स्कूल में बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं और ऐसे ही स्कूल में शौचालय नहीं है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाइए और नॉनवेज पर 10 रुपए की छूट पाइए। लोगों में पाकिस्तान के प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई है कि जगदलपुर में नॉनवेज का ठेला लगाने वाला शख्स 10 रुपए की छूट देकर सबसे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगवा रहा है। पुलवामा हमले के बाद लोगों में आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर आक्रोश है। लोग अलग अलग तरीके से आक्रोश को जाहिर भी कर रहे हैं। बस्तर में बिरयानी का ठेला लगाने वाले अंजन सेन ने अपना विरोध जताने के लिए एक अनोखा तरीका ईजाद किया है। अंजन के ठेले पर जो भी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता है उसे अंजन लेग पीस पर 10 रुपए की छूट दे रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की दिल से मुर्दाबाद होना चाहिए। मैंने अपनी दुकान पे पाकिस्तान के नाम का एक बोर्ड लगाया है जिसमें मैंने लिखा है
कि आप एक बार अपने दिल से बोल दीजिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो आपको लेग पीस पे 10 रुपए की छूट। ये 10 रुपए का छूट लोगों के लिए पता नहीं क्या मायने रखता है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन लोगों के दिल से एक बार दिल से आवाज़ निकलना चाहिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। उसमें कभी इंसानियत ना थी और ना ही कभी आएगी। ये हम इसी तरह से हम लोगों तक ये पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के लिए हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी ही होना चाहिए, क्योंकि हमने दोस्ती काफ़ी समय से किया है और दोस्ती का हमको हर बार सिर्फ खामियाजा ही भुगतना पड़ा है। ये पाकिस्तान नारे मुर्दाबाद लगाने का जो नारा है, ये नारा है भारत को एक करने का। ये एक नारा नहीं जो पाकिस्तान पे हमदर्दी जताए कोई तो हम उसको, हम किसी देश विदेश की बात नहीं कर रहे हैं। हम जिस धरती पे जन्म हुए हैं उस धरती पे जो जातिवाद पे विभक्त हो गए हैं, हम उसको एक नारा देकर, हम एक दूसरी कम्युनिटी, दूसरे देश को पाकिस्तान मुर्दाबाद कहकर हम अपने देश को सम्मिलित करना चाहते हैं। और इस नारा पे जो इन्होंने 10 रुपये की छूट दी है, ये छूट भले मिले या ना मिले, मगर इन्होंने जो लगाया है इससे दिल को सुकून मिलता है कि भारत में एकता लाने के लिए कोई छोटी सी मुहिम ही हो वो आवश्यक है। अंजन ने अपने ठेले पर एक फ्लैक्स लगा दिया है जिस पर लिखा है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले को लेग पीस में 10 रुपये की छूट मिलेगी। इसे देखकर लोग अंजन के ठेले पर चिकन लेने पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का भूमि पूजन सिद्ध भाऊ की मौजूदगी में सांसद आलोक संजर और विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। मौके पर भोपाल DRM शोभन चौधरी भी मौजूद थे। हिरदाराम नगर स्टेशन पर विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर जीव सेवा संस्थान की तरफ से 150-150 लीटर के 2 वाटर कूलर भेंट किए गए। विकास कार्यों में दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की लंबाई के अनुरूप शेड का निर्माण किया जाएगा। कोच गाइडेंस की आधारशिला भी रखी गई। इस स्टेशन को पश्चिम रेलवे से हटाकर भोपाल रेल मंडल में शामिल करने को भी हरी झंडी दी गई। स्टेशन का डेवलपमेंट होना है, काफी सारे इसमें लिस्ट होती है। हम लोग स्टेशन को हम लोग ग्रेड करते हैं कि स्टेशन किस तरह का स्टेशन है, ग्रेडिंग इसकी होती है, स्टेशन से कितनी आय होती है और स्टेशन में कितने यात्री आते हैं, तो उस हिसाब से ग्रेडिंग है। और उस ग्रेडिंग के हिसाब से 4-5 कैटेगरी बने हुए हैं। इस कैटेगरी का स्टेशन है तो इसमें ये सुविधा होनी चाहिए। छोटी कैटेगरी का स्टेशन है उसमें कम सुविधा होनी चाहिए। अब बैरागढ़ की भी ट्रैफिक बढ़ रही है, यहाँ जनता बढ़ रही है, लोग जा रहे हैं, इसकी कैटेगरी अपग्रेड होगी, इसलिए सुविधा भी हम बढ़ाएंगे। आज संत हिरदाराम नगर का जो हमारा रेलवे स्टेशन है, आज अगर कहा जाए तो विकास की आधारशिला की एक तरह से शुरुआत हुई है। आज हम 1.5 करोड़ की राशि से लगभग इसका डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं। मैंने आगे उम्मीद की है कि भोपाल का सबसे सुंदर और खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाने का हमारा प्रयत्न होगा और मोदी जी की सरकार और सांसद जी का जो लगातार प्रयास है हमारे साथ मिलकर, मैं चाहूँगा कि वो लगातार चलता रहे और संत नगर का विकास हो। स्थिति आज संत हिरदाराम नगर में संत की कृपा है कि आज संत हिरदाराम स्टेशन का यहाँ पर पुनरुद्धार हो रहा है। यहाँ पर शेड बोर्ड लग रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, साथ ही साइन बोर्ड यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण डिस्प्ले बोर्ड के कारण भी यात्रियों को सुविधा होती थी, तो उस सुविधा से बचेंगे। साथ ही यहाँ पर जन सुविधा की संस्था ने 2 कूलर भी दिए हैं। मैं आग्रह यही करूँगा कि हम सब मिलकर हमारे इस शहर को, उपनगर को और सुंदर बनाएं। इस मौके पर सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष एनडी खेमचंदानी ने स्टेशन पर विकास के काम प्रारंभ किए जाने पर भोपाल DRM शोभन चौधरी, सांसद आलोक संजर, विधायक रामेश शर्मा एवं रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य नीतेश लाल के प्रति आभार व्यक्त किया।
भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में शुरू हुआ। इस समारोह में देश के जाने माने शास्त्रीय नृत्य घराने अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कलेक्टर और SP ने दीप जलाकर किया। इस महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश की संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो को करना था, लेकिन वह इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची और ना ही कोई विधायक और सांसद कार्यक्रम में शामिल हुए। डांस महोत्सव का उद्घाटन सिर्फ औपचारिकता भर बनकर रह गया। डांस महोत्सव की पहली शाम दिल्ली की ओडिसी नृत्यांगना लिप्सा सतपति के नाम रही। जया मेनन ने मोहिनीअट्टम और गुवाहाटी की मृदु स्मिता दास और साथी क्षत्रिय समूह ने नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने आज खजुराहो में, जो कि आज ओपनिंग सेरेमनी था, और मेरी नृत्य की प्रस्तुति हुई, और इसको मैं अपने गुरु भगवान का आशीर्वाद समझती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा इस मंच में आकर। एक मुझे लगा एक जादू सा है, कुछ पावर है, कुछ एनर्जी है जो डांसर्स में आ जाता है वो एनर्जी, और हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं स्टेज पे। छतरपुर जिले के पटना गांव में कुछ अज्ञात हथियारों ने खेत की रखवाली कर रहे किसान के सर पर वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस को इस मामले में क्लू मिले हैं जिसके जरिए वो आरोपियों तक पहुँचने के प्रयास कर रहे हैं। पटना गांव में किसान भवानी दीन अनुरागी रखवाली करने के लिए अपने खेत पर गया था, तभी अज्ञात आरोपियों ने उसके सर पर वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हत्या के कारण का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मामला कायम कर हर पहलू की बारीकी से जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपी उसकी गिरफ्त में होंगे। आज सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की लाश जो है उसके खेत पर पड़ी हुई है। यहाँ पर मौके पर आए हैं तो मौके पर पता पड़ा कि भवानी देन का पंछी अनुरागी, जो अपने खेत पर रखवारी कर रहा था, रात में यहीं सोता था, किन्हीं कारणों से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसको सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी है। मौके पर ही जो है अपराध क्रमांक 0/19 धारा 302 का अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और शीघ्र ही हम जो है मुलजमों तक पहुंच जाएंगे। संत हिरदाराम नगर थाना परिसर में नागरिक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में यातायात से लेकर अपराध नियंत्रण तक चर्चा हुई और पुलिस ने व्यापारियों से सहयोग करने की अपील की। एडिशनल SP दिनेश कौशल ने बैठक में कानून से संबंधित विभिन्न समस्याओं, वाहन चोरी, सट्टा, जुआ, मुख्य मार्ग पर तहबाजारी करने वालों के अतिक्रमण और मैजिक वाहन से ट्रैफिक की समस्या जैसे कई समस्याओं को दूर करने पर चर्चा की। आज दोपहर को थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें बेराड़ क्षेत्र के जो एडिशनल SP नए आए हुए हैं, साथ ही SGO भी जो नए आए हैं, वह पुलिस को इसका संबंध बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हमने उन्हें ये बताया कि बेराड़ की जो मेन ट्रैफिक समस्या जो ठेले वालों की वजह से बहुत परेशानी की सबब बनी हुई है, अगर आप ठेले को विस्तृत कर दिया जाता है, कहीं विस्थापित सही तरह किया जाए तो ये समस्या हल हो जाएगी। इस संबंध में हमने चर्चा बैरागढ़ के जो बैरागढ़ में क्या समस्याएं सुनी और उसके बाद हम लोगों ने आपस में निश्चित किया कि कैसे दूर कर सकते हैं। हमें कार्रवाई करते रहेंगे और उनसे निश्चित रूप से पुलिस और जनता जब मिल के काम करती है तो पत्रकार उत्पन्न नहीं पाएंगे। और कई लोगों ने बोला भी है कि बहुत चर्चा में एडिशनल SP दिनेश कौशल ने व्यापारियों को बताया कि आप अपने दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की थाने में जानकारी दें, अपने दुकान के आसपास CCTV कैमरा जरूर लगवाएं, आपके आसपास जो भी क्राइम हो रहा है उसकी जानकारी भी थाने को आवश्यक रूप से दें जिससे हर उस शख्स पर निगाह रखी जा सके जो अपराधों में शामिल होता है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, बिलासपुर और मरवाही क्षेत्र में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बताया जा रहा है दोपहर की वक्त अचानक एक भारी सी आवाज लोगों को जमीन के अंदर से आती हुई महसूस हुई और इसी के साथ कुछ सेकंड के लिए जमीन थर्रा गई। छत्तीसगढ़ में जमीन कांपने की इस आवाज का रिएक्ट स्केल पर 3.5 नापा गया। ऐसे भूकंप बहुत हानिकारक नहीं होते, हालांकि इस भूकंप की तीव्रता और प्रभाव काफी कम था, इसीलिए बहुत से लोगों को यह महसूस तक नहीं हुआ। भूकंप के बाद लोगों में इसके प्रति एक भय का एहसास देखने को मिला। बता दें कि चिरमिरी क्षेत्र के पहाड़ों में कई भूमिगत कोयला खदानें हैं, इसमें रूटीन में ब्लास्टिंग चलती रहती है। इस ब्लास्टिंग के चलते यहां भूकंप जैसा आभास
होता है या नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि गुरुवार को जो भूमि में कंपन हुआ वह रूटीन ब्लास्टिंग से अलग था। चिरमिरी के अलावा मनिंदरगढ़ और मरवाही और पेंड्रा में भी लोगों ने भूकंप का एहसास होने की बात कही। इस दौरान छत के पंखे हिलने लगे और खिड़कियों में कंपन साफ महसूस किया गया। भोपाल में एक दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर गया और अपनी दुल्हनिया लेकर आया। ये दूल्हा एक किसान का बेटा है। जब मिसरौद में इनके खेत पर हेलीकॉप्टर उतरा तो सबको इस शादी का पता चला। आसमान में हरे रंग का एक उड़न खटोला उड़ान भर रहा है। देखते देखते यह हेलीकॉप्टर आसमान से फूलों की बरसात शुरू कर देता है। उसके बाद यह हेलीकॉप्टर किसान नर्मदा प्रसाद के हरे भरे खेत में तैयार हेलीपैड पर उतरता है और फिर गाजे बाजे के साथ उनके दूल्हा बने बेटे उद्देश्य पाटीदार की बारात लेकर हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। मिसरौद गांव के साधारण किसान नर्मदा प्रसाद पाटीदार ने बचपन में एक सपना देखा था कि वह अपने बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से निकालेंगे। इच्छा शक्ति के बूते उनका यही सपना पूरा हुआ और उनका बेटा हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हनिया लेने शाजापुर के खरगोन कला गांव गया और दुल्हनिया लेकर वापस आया। दूल्हा उद्देश्य पाटीदार MBA है और HDFC बैंक की भोपाल शाखा में कार्यरत है। वह कहता है, मुझे दिखावे में विश्वास नहीं है, लेकिन मैं अपने पापा और दादा का हर सपना साकार होते देखना चाहता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। जाते जाते जर्जर भोपाली आज आतंकवादियों के खिलाफ डकैत के रूप में अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सुन ले रहे पाकिस्तान, हम है चंबल के रिटायर्ड बागी हरिया सिंह, तूने हमें फिर से ललकार दिया है, जगा दिया है, और तेरी औकात हमें पता है इमरान खान, तू पक्खड़ हो गया है, तेरा देश, तेरे पास कछु नहीं बचो, तू दूसरों के चरणन में लौट रहा है, कटोरा लिए घूम रहा है, सऊदी अरब के प्रिंस के पांव चाट रहा है तू, और तूने हम बागियों को जगा दी हो है। जब बागी जाग जाते तो चंबल में सनन सनन साय साय होने लगते है, और तेरे जो पालतू कुत्ते हैं, पालतू जानवर हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर, बिरेन हमें दे दे, हमारे चंबल के घड़ियाल भूखे हैं बहुत दिन से, बोटी बोटी नोच डारेंगे बिनकी, और हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हें जानते हम, तू एक खिलाड़ी से ज्यादा कछु नहीं, तू ISI और सेना का पिट्ठू है, हम बागी सब एक हो गए हैं, एक मलखान दादा की अगुवाई में फिर से हमारा गिरोह बन गया है, और हम बॉर्डर पे आ रहे हैं तो से निबटवे, जय भवानी, जय शीतला माँ की, जय हिंद, जय भारत माता की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।